हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है भूषण रिपेयर्स में। ये देखिए, हमारे पास ये ब्लूटूथ ऑडियो बोर्ड है, तो हमने इसे मार्केट से खरीदा है। ये देखिए, इसका जो टाइप है ये गोल्ड AP55 है। इस बॉक्स में ये वन पीस में आता है। इसका वेट 105 ग्राम है, यानी कि इसका वजन भी बहुत कम है, तो ऐसे पैकिंग में आता है। ये देखिए, इसके साथ ये वायर्स मिलती है कुछ, जिसमें 3 कनेक्टर लगे हैं, ये एक पावर सप्लाई और 2 स्पीकर की है। ये अच्छा सा रिमोट भी मिलता है इसके साथ में। ये देखिए, ये बोर्ड जो होता है ये पैकिंग में ऐसे आता है। इसको हम खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें यहाँ पे इसका नंबर लिखा हुआ है AP55। ये ब्लूटूथ ऑडियो बोर्ड है। इसमें मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव लगाने के लिए USB सॉकेट है। ये उसके बाद ये अक्स का भी सॉकेट है, जो नॉर्मली हर प्लेट में आ जाता है ऐसे। लेकिन इसमें खास बात ये है कि ये जो एम्पलीफायर है, ये तगड़ा एम्पलीफायर दिया है। ये 80 से 100 वाट तक का एम्पलीफायर है। इसमें देखिए, ज़्यादा वायरिंग भी है नहीं, सिर्फ 2 स्पीकर के कनेक्शन दिए हुए हैं और बैटरी का कनेक्शन दिया हुआ है। तो बैटरी भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं। जो बैटरी का वोल्टेज जो दिया है, ये 8 से 24 वोल्ट तक का वोल्टेज है। उसके बाद ये जो कनेक्टर लगा है, इसमें बैटरी जो है वो कनेक्शन उल्टे हो जाते हैं। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव है और निगेटिव, लेकिन जब भी हम ये कनेक्टर लगा लेते हैं, ऐसे कनेक्टर लगा लेते हैं, पॉजिटिव साइड में ब्लैक वायर जाता है और निगेटिव साइड में रेड। तो इस बात का इसमें ध्यान रखना है कि हमें सप्लाई उल्टा देना है इसमें, यानी कि ये कलर के हिसाब से नहीं देना है। रेड को पॉजिटिव नहीं देना है, निगेटिव देना है, और ब्लैक को पॉजिटिव देना है। बस इतना ही ध्यान रखना है। आपके पास अगर 24 वोल्ट का सप्लाई होगा तो भी चलेगा, और 8 वोल्ट का सप्लाई होगा तो भी चलेगा। तो हम इसको, हमारे पास एक छोटा सा पावर सप्लाई है, उससे हम सप्लाई देके इसे चेक करेंगे। चलिए हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए, हमारे पास ये स्पीकर्स है जो हमने इससे पहले बनाए हैं, तो इन स्पीकर्स पे ही हम इसको टेस्ट करेंगे। इसका वीडियो लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसको कैसे बनाते हैं ये आप देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं और पावर सप्लाई भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये पावर सप्लाई, हमने स्पीकर के कनेक्शन जोड़ लिए। अभी ये पावर सप्लाई जोड़ना है, तो ये रेड को रेड नहीं जोड़ना है, हमें ब्लैक को रेड जोड़ना है, जिससे कि ये पावर सप्लाई ठीक से मिल जाए। ये हमारा 12 से 16 वोल्ट का पावर सप्लाई है, 16-17 वोल्ट आता है इसमें, तो ये इसमें चल जाएगा, इसलिए ये पावर सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं जस्ट टेस्टिंग के लिए। अगर आपको इसकी साउंड सिस्टम बनानी है, तो आपको प्रॉपर पावर सप्लाई लेना है अच्छे से। ये कोई भी कनेक्शन एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। पावर सप्लाई हमने कनेक्ट कर लिया है, अब ब्लूटूथ को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पावर सप्लाई। ये देखिए, में जो है ये ब्लूटूथ मोड में चला जाता है। इसको ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे पास ये एक मोबाइल है, जिसमें हम इसका ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट करके देखेंगे। तो ब्लूटूथ में हम देखेंगे इसका रिफ्रेश में क्या आता है। इसका जो नाम है गोल्ड है, तो इसका GD से कनेक्टिंग करके देखते हैं। देखिए, इसमें GD पेयर GD82 देखिए कनेक्टेड हो गया। तो चलिए, अब हम इसमें म्यूज़िक लगा के देखते हैं। इसका जो बास क्वालिटी है और ऑडियो क्वालिटी है, बहुत अच्छा है। ये एम्पलीफायर आप यूज़ कर सकते हैं अपने साउंड सिस्टम में। अगर आपको यूज़ करना है, तो आप 10 इंच के स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं। ये एम्पलीफायर बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, इसमें इनबिल्ट 5 वोल्ट का सप्लाई भी दिया हुआ है, जो ये ब्लूटूथ को चलाता है। और उसके बाद इसमें आप 8 से लेके 24 वोल्ट तक की पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको आसानी हो जाती है कि आपके पास कोई भी पावर सप्लाई हो, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। वो 3 एम्पियर से लेके 5 या 5-6 एम्पियर तक का होना चाहिए, जिससे आपको बास क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी अच्छा मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बेस्ट क्वालिटीज का एकदम जबरदस्त है।